हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो और कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने की करी। तो खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, मज़ेदार होती है, और अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं करा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब इसमें हमें मखाने को भूनना है, और मखाना हमें धीमी आग पर ही भूनना है क्योंकि मखाना जल्दी से जल जाता है, इसलिए गैस का फ्लेम आप लो ही रखें और इसे धीरे धीरे भूनते रहें। और मखाने को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। क्रिस्पी हो जाएगा तो समझो हमारा मखाना अच्छे से भुन गया। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं और मखाना हमारा अच्छे से भुन गया है। मैंने इसमें 2 लहसुन की गंठी डाल दी हैं, तो पूरा साबुत लहसुन है ये, और ये सब्जी में काफ़ी अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पर लहसुन भी इसमें थोड़ा थोड़ा भून लिया था। और अब मैंने दोबारा से गैस पर कढ़ाई जो है चढ़ा दी है और उसमें ऑयल डाल दिया है, और अब इसमें मैंने अदरक लहसुन और प्याज हरी मिर्च ये सब पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया है, और इसी में डाल दी है मैंने मटर और लहसुन की जो लहसुन रखा था 2 वो भी डाल दिए हैं, और इसमें मैंने पिसा हुआ जो टमाटर था 2 से 3 टमाटर मैंने पीस के रखा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ी सी मैंने मटर भी डाली है इसमें छीलकर। तो यहाँ इन सबको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला ऐड किया है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पर। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, और इसमें देखिए मसाले से ऑयल भी अलग होने लगा है। तो मसाला भुनने की यही पहचान है कि मसाले से ऑयल अलग होने लगे तो समझो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है, तो पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। उसके बाद पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, और उसके बाद डाल दिया है मखाना। तो यहाँ पर ये सारा जो मखाना हमने फ्राई करके रखा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छे से इसको जो हमारा मसाले वाला जो पानी है यानी तरी है उसमें इसको अच्छे से मिला देना है ताकि ये इसमें अच्छे से मिल जाए। उसके बाद इसको धीमी आग पर ही ढककर रख देना है जिससे कि अच्छे से फूल जाए या गल जाए। तो इसको अच्छे से मिला दिया है मैंने, और 5-6 मिनट के लिए इसे धीमी आग पर पकने देना है। तो बस इसको ये अच्छे से मिल गया है, और इसके बाद इसे थोड़ी देर हमें ढक के रखना है। तो हमारी मखाने की करी तैयार हो जाएगी, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ट्राई करें एक बार, और जो लहसुन है वो भी हमारा अच्छे से पक जाएगा क्योंकि थोड़ा सा हमने भून दिया था, और जो बाकी की कमी है वो अब इसमें गल जाएगा। तो ये लहसुन बिना छिला ही डाला जाता है, और जब हम खाना सर्व करते हैं तो इसे खाते समय ही छीलते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, और सब्जी में से देखिए तेल भी अलग हो चुका है और लहसुन भी हमारा गल गया है। तो आप दबाकर लहसुन देख सकते हैं गला है या नहीं, और यहाँ पर ये देखिए खाना हमारा रेडी हो गया है। तो मैंने और मेरी मम्मी ने एक साथ खाना खा लिया है, और बाकी लोगों ने भी खा लिया है। तो अब हम आ गए हैं छत पर, काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है तो मैंने सोचा छत पर घूम लें थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। और यहाँ देखिए कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं, और मन कर लिया देखने के लिए कि देखें इनको, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरे भाई वगैरह सब लोग पतंग उड़ाते थे तो हम भी उनके साथ में लग जाते थे। तो आप समझ सकते हैं बचपन वाला ज़माना याद आता है कि हम छोटे थे तो हम भी ये सब चीज़ें करते थे, तो काफ़ी इन्जॉय भी करते थे। बट समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो देख के पुराने दिन याद आ गए। और मुझे लगता है हर किसी को अपना बचपन तो ज़रूर याद आता होगा कि हमने बचपन में क्या क्या किया था, क्या करते थे हम लोग।
तो बस मैं यही दिखा रही हूँ कि पतंग को देखकर हमें याद आया कि हम भी बचपन में अपने भाई बहनों के साथ ऐसे ही पतंग उड़ाया करते थे। तो यहाँ ये देखिए मेरे घर का यानी कि मेरे मायके का जो नज़ारा है, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पतंगें उड़ा रहे हैं, और मकर संक्रांति से पहले यहाँ पर पतंगें उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मौसम अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है बारिश के बाद। तो यहाँ देखिए कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं, सभी अपनी अपनी छतों